जिंदगी रोल बनाने के लिए नहीं, अपने आप को कूल बनाने के लिए मिली है। बहुत घूमा करते थे हम भी जमाने में, अब तो सारा दिन निकल जाता है बस कमाने में। सुख का केवल दौर आता है जनाब, उदासी जिंदगी भर साथ चलती है। अभी असफल हो तो कोई औकात नहीं, सफल हो जाओगे तो लोग आपकी फ़ोटो खींचने की भी कीमत देंगे। ज़िंदगी से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे हसीन धोखा जिंदगी ही देती है। ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने के लिए हर रोज़ ज़िंदगी की जंग से लड़ना पड़ता है। ज़िंदगी जीनी है सलीके से तो अस्वीकार को स्वीकार करना चाहिए। जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती है वैसे ही तजुर्बे की उम्र बढ़ती है। अपनों में इतनी भी खामियां ना निकालो जनाब कि वह आपको ही आपकी ज़िंदगी से निकाल दे। स्त्री का पहला प्रेम उसका सम्मान होता है, और उसके प्रति किसी पुरुष की आंखों में आंसू उसकी सबसे बड़ी संपत्ति। मुश्किल वक्तों का भी कोसो मत, क्योंकि कामयाबी के लिए ये सबसे बेहतरीन हथियार होता है। जिंदगी में तजुर्बा और ठोकरे स्कूल की महंगी डिग्रियों से भी ज़्यादा भरोसेमंद साबित होती है। जिंदगी में अपने दिल को साफ करो, और जो तुमसे खफा है उसे दिल से माफ़ करो। विषयानंद को त्यागने के लिए एकमात्र भगवत शरण उपयोगी है। जिंदगी हर वक्त एक नई चोट लेकर चली आती है। माना स्ट्रांग हूँ मैं, पर पत्थर तो नहीं। काम भी बहुत बेहतरीन चीज़ है यारो, जब तक पड़ता है तब तक लोग याद रखते हैं। घर की जिम्मेदारी निभाना भी ज़रूरी है, इसलिए जनाब 15 की उम्र में भी नौकरी करना हमारी मजबूरी है। हम जैसे लोग जिंदगी में एक ही बार आते हैं, बार बार तो सिर्फ हमारी यादें आएंगी। हम नहीं, हंसकर डालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं जनाब। तलब उसी की करो जो किसी के पास ना हो, भुला दो उसे जिस पर विश्वास ना हो। किसी के लिए वक्त बर्बाद करने से अच्छा है खुद के लिए वक्त निकालो और अपने आप को सवारो। मूर्खों से लड़ना व्यर्थ है, उनसे दूर रहने में ही जीवन का सही अर्थ है। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए। जीनी है अच्छे तरीके से जिंदगी तो सिर्फ प्यार, मित्र और परिवार का साथ चाहिए। छोड़ो क्यों वक्त बर्बाद करें किसी को मनाने में, जब पता है जिंदगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी दिल दुखाने में। महल वो उड़ गए तूफान में, जिनमें रहता गुमान था, पर हिले ना झोपड़ी हमारी, जिनमें रहता भगवान था। जिंदगी ने हमें सिखाया है जो पीछे छूट गया वह अपना था ही नहीं, इसलिए आगे बढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। जिंदगी तूने दस्तूर ये कैसा बनाया है, कहीं भरपूर खुशियां हैं तो कहीं सिर्फ दुख की छाया है। जिंदगी तो है पल पल की कहानी, क्या बचपन क्या बुढ़ापा और क्या जवानी। जिंदगी मिली है खुलकर जीने के लिए, घुट घुट कर गम पीने के लिए नहीं। कभी कभी हमें जीवन में अकेले ही लड़ने की आवश्यकता होती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था।
वो बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का नियंत्रित जुनून रखता था, परंतु उसके पास ना कोई साथी था ना कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे लगता था कि वो अकेलेपन की जंजीरों में बन गया है और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपने आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वो आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नज़र ही नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहाँ जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहाँ की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने ठान लिया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वो पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों किताबों के साथ बिताने से उसका ज्ञान बढ़ता गया और वो अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वो लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। लोग उसे मान्यता देने लगे और वो लड़का अपने लक्ष्य की ओर अग्रेसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है।